अभी 8:20 पर धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हलके के निवाणुक अधिकारी ने दोनों उम्मीदवार को बुलाकर उनके सामने डिक्लेरेशन दिया और उस डिक्लेरेशन के हिसाब से जो है 4 मशीन जो ब्लॉक हो गई थी, जिसके नंबर नहीं दिख रहे थे, उसको निकाल के उसके VVPAT जो है उसकी गिनती की गई, पोस्टल जो वोट थे उसकी गिनती की गई। और सारी वोट की गिनती होने के बाद कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव 3831 वोट की लीड पर है। मगर इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन है कि जो भी 6 असेंबली हलके हैं वहाँ की 5-5 मशीन VVPAT की जो है उसको काउंट किया जाएगा, VVPAT निकाल कर, और वो नंबर और जो डिस्प्ले पे नंबर दिखा है और जो VVPAT है वो मैच अगर होता है तो उसके बाद फाइनल डिसीजन निवाणुक अधिकारी जो कि कलेक्टर हैं वो करेंगे। मगर यहाँ पर एक बात जो देखी जा रही है कि जो लगता है कि कलेक्टर बहुत दबाव में है, अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का, इन लोगों का मुसलसल फ़ोन आ रहा है, इसलिए डिक्लेरेशन करने में वक्त लग रहा है। मगर इंशाअल्लाह जीत जो है इंडिया गठबंधन की शोभाताई बच्छाव की यकीनी है और मेरे मुमकिन है कि रात में 10 बजे तक फाइनल डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद अगर BJP कोई ऑब्जेक्शन लेती है तो उस पर क्या डिसीजन निवाणुक अधिकारी लेंगे वो उसके बाद का मरहला है। मगर जो हालात बने हुए हैं उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार धुलिया मालेगांव हल्के की शोभाताई बच्छाव वो 3831 वोट से जीत रही है।